हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जॉब्स की ढेर सारी जानकारियाँ। और आज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब अगर आप कर लेते हैं तो आप लोगों को और भी जॉब्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, जानकारियाँ होती हैं, वो आप लोगों तक पहुँचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में। फ्रेंड्स, आज की इंफॉर्मेशन शुरू करने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि आज मैं आप लोगों के लिए टीचिंग जॉब्स भी लेके आया हूँ और नॉन टीचिंग जॉब्स भी लेके आया हूँ। मतलब आप चाहे प्लस टू है, ग्रेजुएट है, टीचिंग जॉब सर्च कर रहे हैं, सब तरह की नौकरियां आज की वीडियो में आप लोगों को मिलेंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आज की सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है RS मॉडल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन। इनको चाहिए एक्सपर्ट फैकल्टी टीचर चाहिए फॉर IIT, JEE, नीट, NDA, NTSC के लिए। और एक इनको इसके लिए जो फैकल्टी चाहिए वो केमिस्ट्री की एक वैकेंसी है, बायोलॉजी की एक वैकेंसी है, मैथमेटिक्स की एक वैकेंसी है, और सॉरी MAT की, MAT की, मैट की एक वैकेंसी, और SAT इंग्लिश की एक वैकेंसी है। और इसके अलावा SST की एक वैकेंसी यहाँ पे आपके आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इसके अलावा एक्सपर्ट कंप्यूटर फैकल्टी भी चाहिए इनको, ये तो होगी देखिए IIT, JEE, नीट, NDA और NTSC के लिए। इसके अलावा कंप्यूटर की भी फैकल्टी चाहिए, एक्सपर्ट कंप्यूटर फैकल्टी, जिनके पास कोडिंग की नॉलेज हो, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथॉन, वेब डिजाइनिंग एंड AI की। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है MSc, MA, BTech, MTech, MPhil, PhD, BEd। ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। फॉर मैट एंड सेट कॉम्पिटिटिव नॉलेज आप लोगों की जो रीजनिंग स्किल्स होती है हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में और सिविक्स में, वो जरूरी है। तो इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है, तभी आप अप्लाई करें। अच्छा, ये इनका ईमेल एड्रेस है। आप इनका ईमेल एड्रेस गूगल पे जा करके भी सर्च कर सकते हो अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है। या इन्हें फोन करके आप पूरी जानकारी इन जॉब्स के बारे में ले सकते हो, और साथ में इनसे ये इनका ईमेल एड्रेस भी आप मांग सकते हो। तो ये डायरेक्टर हैं अकेडमिक्स के, उनकी तरफ से नोटिफिकेशन निकली हुई है RS मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से। और ये जो स्कूल है RS मॉडल स्कूल ऑफ कॉम्पिटिशन की तरफ से, और ये जो स्कूल है दैट इज लोकेटेड इन लुधियाना। ठीक है, तो ये कोड आपको दिखा रहा है, ये लुधियाना का कोड है। तो अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगली जो वैकेंसी निकली हुई है वो है PGT इंग्लिश, PGT फिजिक्स, PGT केमिस्ट्री, PGT हिस्ट्री, PGT पंजाबी। तो देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री और पंजाबी की वैकेंसीज निकली हैं। इसके अलावा TGT सोशल साइंस और IT की निकली हुई हैं। और इसके अलावा कंप्यूटर टीचर कम ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा रिसेप्शनिस्ट की रिक्वायरमेंट है, क्लर्क की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों ही चाहिए। तो क्लर्क और रिसेप्शनिस्ट के लिए तो अगर आपकी प्लस टू या ग्रेजुएशन है और आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इनका इंटरव्यू भी चल रहा है, वॉक इन इंटरव्यू, वो 21 अप्रैल 2021 बुधवार को होगा। लेकिन अगर आप लेट हो जाते हो तो आप इन्हें फोन करके कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इनका ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, glcs.snsschool@gmail.com। तो इस ईमेल एड्रेस पे आप अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं, या इन नंबर्स पे आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं कि क्या 21 तारीख के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप लोगों को पूरा बता देंगे। अब स्कूल का नाम है ग्रीन लैंड कॉन्वेंट स्कूल, और ये न्यू सुभाष नगर, बस्ती जोधेवाल, लुधियाना में है। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत पुराना, बहुत ही वेल रेप्यूटेड स्कूल है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों, यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इस जॉब में के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। अगली वैकेंसी निकली हुई है JTB IMT दाखा में, ये भी लुधियाना में ही है, और ये गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी है कॉलेज का, ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और ये कॉलेज रोड दाखा लुधियाना पंजाब में है, एंड इट इज अफिलेटेड विद पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जालंधर। तो पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी PTU से अफिलेशन है इसको, इस कॉलेज को। और यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं वो वैकेंसीज निकली हैं प्रोफेसर के लिए,
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, और डिपार्टमेंट मैनेजमेंट में सारी वैकेंसीज हैं, कॉमर्स में सारी वैकेंसीज हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन में सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप 26 अप्रैल 2021 तक इन्हें अपना रिज्यूम भेज सकते हैं। क्वालिफिकेशन और पे स्केल एज पर UGC AICTE नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली रहेगा। लास्ट डेट आपको बता दी मैंने 26 अप्रैल 2021 है। तो अगर आप इस जॉब के लिए इंटरेस्ट इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना रिज्यूम jtbimt.takha@yahoo.com या फिर इस ईमेल एड्रेस पे अपना बायोडाटा इन्हें भेज सकते हैं। अब बात करते हैं अगली वैकेंसीज के बारे में। अगली वैकेंसीज निकली हैं प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन लुधियाना में, ठीक है। और ये कॉलेज हम्बड़ा रोड लुधियाना में है और ये कॉलेज पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से अफिलेटेड है। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हैं फ्रेंड्स वो हैं एप्लीकेशंस ऑन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा अवेलेबल विद द कॉलेज आर इनवाइटेड ऑन रेगुलर बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन एजुकेशन, एक वैकेंसी। असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन एजुकेशन, दो वैकेंसीज। असिस्टेंट प्रोफेसर इन एजुकेशन, ये भी दो वैकेंसीज हैं। तो पेडागॉजी ऑफ पंजाबी में एक है, मैथ्स में एक है, साइंस में एक है, हिंदी की भी एक है, म्यूजिक की भी एक है, SST की भी एक है, पॉलिटिकल साइंस एक वैकेंसी, हिस्ट्री की एक वैकेंसी, फिजिकल एजुकेशन की एक वैकेंसी। तो मेरे सारे दोस्तों के लिए यहाँ वैकेंसीज ओपन हो चुकी हैं। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आता था, सर हिंदी के लिए बताओ, म्यूजिक के लिए बताओ, SST के लिए बताओ, हिस्ट्री के लिए, खासकर फिजिकल एजुकेशन के लिए। तो ये सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए ओपन हो चुकी हैं। तो एलिजिबल कैंडिडेट्स इन अकॉर्डेंस विद द क्वालिफिकेशन, जो भी UGC और NCT की कंडीशंस होती हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी आपको मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की है विद 55% मार्क्स तो आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। 21 दिन बहुत लंबा टाइम है आप लोगों के पास अप्लाई करने का। आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, आप लोगों ने अपना जो फॉर्म रिज्यूम और डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, इनको बाई पोस्ट सिंपल पोस्ट नहीं भेजना है, रजिस्ट्री करनी है, या फिर आप बाई हैंड भी कॉलेज में जाकर के अपनी एप्लीकेशन जो है दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको एक रजिस्ट्री करनी है इन दी फेवर ऑफ डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को, इनको भी भेजनी है, तभी कंसिडर किया जाएगा आपका फॉर्म। और बाकी SC ST कैंडिडेट्स के लिए जो रिजर्वेशन है या डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है एज पर रूल्स ऑफ PU पंजाब गवर्नमेंट, वो सारी आप लोगों को फैसिलिटीज जरूर यहाँ पे दी जाएंगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगली जो वैकेंसी है वो है GTB नेशनल कॉलेज दाखा, ये लुधियाना में है। ये भी काफी पुराना कॉलेज है और यहाँ पे जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो वॉक इन इंटरव्यू है, मतलब आपको डायरेक्टली 23 अप्रैल 2021 को 11 बजे सुबह कॉलेज कैंपस में जाना है। और जो वैकेंसीज निकली हुई है वो है कॉमर्स सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन इन अकाउंट्स, और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन अकाउंट्स के अलावा और स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए अकाउंट्स में और फाइनेंस में। इसके अलावा सोशोलॉजी की भी यहाँ पे वैकेंसी निकली है। प्रेफरेंस दिया जाएगा उन कैंडिडेट्स को जो जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अगर आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया है तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जा सकता। इसमें जिन्होंने MCOM की है 55% मार्क्स के साथ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है जिनके पास एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन टीचिंग का। तो कुल मिला के बात यह है कि कोरोना का असर अभी भी है और आप लोगों को ऑनलाइन टीचिंग ही करनी पड़ सकती है। तो अगर आप इन जॉब्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन पे कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, बाकी ईमेल कर सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, बहुत ही अच्छा ये कॉलेज है। तो कॉमर्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की कुछ वैकेंसी जो लुधियाना में निकली थी टीचिंग लाइन के लिए। इसके लिए दूसरी स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब के कैंडिडेट्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।